हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये चैनल मैंने एक्चुअली अपने नोट्स स्टोर करने के लिए बनाया है, क्योंकि मैं बार बार जब भी नेट एग्ज़ाम देती उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करती तो न्यू कॉपी स्टार्ट कर देती बनाना, और उसके कारण कभी भी एक अच्छे से स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पर स्टोर करेंगे नोट्स को, और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शायद याद करने में और समझने में ईजी रहेगा। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो स्टार्ट हुआ था 5th सेंचुरी से, इसके बीच में फिर आपको आया था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, और फिर ये एंड होता है अप्रोक्स 410 में जब रोमन्स छोड़कर गए इंग्लैंड को। तो इस प्लेस पर फिर दूसरे लोगों के लिए रास्ता खुल गया, और इसके कारण फिर कई सारे लोगों ने इधर पे रूल किया। फिर जो हमारी लिटरेचर स्टार्ट होती है वो पैगन पोएम्स से स्टार्ट होती है। पैगन पोएम्स इसमें जो मेन है, स्पेशल हैं, वो है विटसिथ, वियोवुल्फ। कुछ पोएम्स एनोनिमसली भी लिखी गई थी, जिनमें मेन जो दो लोग हैं जिनके नाम मालूम चले हैं वो हैं कैडमन एंड सिनवुल्फ। कैडमन के बारे में हमें पता चलता है बीड की एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री बुक से। वहीं जो सिनवुल्फ था, इसके नाम से सिर्फ 4 साइंड पोएम्स मिलती हैं, जिनके नाम थे जूलियाना, एलीन, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पोएम थी, द ड्रीम ऑफ द रूड, ये भी कहीं ना कहीं सिनवुल्फ्स के लिए ही असाइन बोलते हैं कि उसी की लिखी हुई पोएम है ये भी। फिर आते हैं हम लिटरेरी फीचर्स में, इमिटेटिव क्वालिटी पे, जिसमें जनरली जो वर्क हुआ है वो ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल्स हुआ है। लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो लैंग्वेज है वो कैसे इवॉल्व हुई और कौन कौन से डायलेक्ट्स उस टाइम पर बोले जाते थे। तो इसमें जनरली आपको 4 डायलेक्ट्स देखने मिलते हैं। पहला है नॉर्थम्ब्रियन, जिसमें जो फर्स्ट डायलेक्ट है, और इसी फर्स्ट डायलेक्ट में पहला जो वर्क है वो भी प्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट प्रोड्यूस्ड लिटरेचर इज़ रिटन इन नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ मर्सियन, मर्सियन जो कि लैंग्वेज ऑफ मिडलैंड था। थर्ड वन था कैंटिस, कैंटिस साउथ ईस्ट में बोला जाता था। एंड द लास्ट वन इज़ वेस्ट सेक्शन, जो अल्फ्रेड्स की लैंग्वेज बोला जाता है, कि इस लैंग्वेज में अल्फ्रेड ने लिखा है। तो अब आते हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री पर। इसमें जो सबसे मेन वर्क है वो था वियोवुल्फ। वियोवुल्फ जो है वो लिखा हुआ है वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में। इसकी स्टोरी में यही होता है कि ये सन ऑफ एक्थो रहता है, और ये फिर जाता है डेनमार्क, वहाँ के राजा को एक मॉन्स्टर से बचाने के लिए, जिस मॉन्स्टर का नाम होता है ग्रैंडल। फिर जो हमारा प्रिंस है इसको मार डालता है, जिसके बाद फिर वियोवुल्फ को किंग ऑफ गेटस बना दिया जाता है, जहाँ पर फिर इसको एक और ड्रैगन को किल करना होता है, और वो ड्रैगन से इसको एक मॉर्टल वूंड मिल जाता है, जिसके कारण फिर ये भी मर जाता है। वियोवुल्फ के अलावा कुछ दूसरे भी ओल्ड अदर पैगन पोएम्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो है विटसिथ, वॉल्डियर, द फाइट एट फिंस वर। अपन इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें बीड्स की जो एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री है उसमें हमें मिलता है, और जो और पैगन पोएम्स हैं उसमें एक और है बैटल ऑफ माल्डन। अदर पोएट्रीज में एलिजीज भी आती हैं ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजीज हैं वो है द वॉन्डरर, द सी फारर, वाइफ्स लेमेंट और हस्बेंड्स मैसेज। ये सारी हमें देखने मिलती हैं एक्स्टर बुक में। तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में जो 2 पोइट्स के नेम हमें मालूम हैं, जिसमें पहले हैं कैडमन, इनके बारे में हमें बीट्स की बुक में मिलता है कि ये पहले इनके लिए लिखा था कि ये ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ टंग टाइड इन्फेक्टिवनेस इनटू दैट ऑफ पोएटिकल एक्सटेसी। और फिर इसके बाद इन्होंने बहुत कुछ अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे,
जिनमें इनके वर्क्स में नेम आते हैं द जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल और कुछ 3 शॉर्ट पोएम्स। ओके, अब देखते हैं हम कुछ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के प्रोज। उस टाइम पर प्रोज ऐसे ज़्यादा लिखे नहीं जाते थे, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रोज वर्क्स हैं वो एल्फ्रेड के लिखे हुए हैं, जिन्होंने सिंपली वर्क्स को ट्रांसलेट किया है सम वर्क्स इनटू इंग्लिश। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, बीट्स की जो बुक है एक्लेसियास्टिकल, इसको भी इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। बोएथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, जो दूसरे अदर प्रोज वर्क्स हैं उनमें से उनमें कुछ नाम है एल्फ्रिक वुल्फस्टेन, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हुई थी और जो कुछ मेन वर्क्स उस टाइम के मिले हैं। और फिर यही है कि हमने देखा कि ज़्यादा प्रोज वर्क नहीं मिलता है, जो सबसे पहला वर्क जो लिखा गया था ओल्ड इंग्लिश में वो भी पोएट्री थी। थोड़ा बहुत स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आया था और जिनकी लैंग्वेज थी वो भी यही नॉर्मल थी।